असलम एंड लेट्स गेट राइटिंग मगर आज हम बात करेंगे कॉमेडी की जिससे मरना ज़्यादा आसान है कॉमेडी लिखना ज़्यादा मुश्किल है डाइंग इज़ ईजी राइटिंग कॉमेडी इज़ हार्ड एंड दैट इज़ ट्रू वाकई इसमें बहुत ज़्यादा सच है मगर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कॉमेडी बहुत ज़्यादा है यू नो दॉर ऑफ ह्यूमर इन आर लाइफ हम हंसते हैं इंसान होने के नाते हम हंसते भी हैं रोते भी हैं मगर हंसते भी हैं तो जब हम हंसते हैं इसका मतलब है हमारी ज़िंदगी में कॉमेडी है इसी तरह ह्यूमर इज़ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप्स इज़ वेल एक दूसरे को हमारे साथ जो रिलेशनशिप बनती है हमारी लोगों से वो कॉमेडी से भी बनती है जब मुझे किसी एक बात पे हंसी आती है किसी और को भी बात पे हंसी आती है तो एक बॉन्ड क्रिएट होता है ह्यूमनइज बॉन्ड क्रिएट होता है इसलिए कॉमेडी राइटिंग इज़ वन ऑफ द फेवरेट फिक्शन राइटिंग्स ऑफ मैनी मैनी पीपल सो यू कैन यूज़ कॉमेडी बिकॉज यू वॉन्ट टू राइट अ कॉमीडिक पीस और यू कैन यूज़ कॉमेडी बिकॉज यू वॉन्ट टू गिव अ कॉमिक रिलीफ इन अ सीरियस पीस ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो सिर्फ कॉमेडी लिखने के लिए ही हंसी मजाक की बातें करें अगर आप सीरियस बात कर रहे हैं तो उसमें भी मज़ाक ला सकते हैं और लाना चाहिए हर वक्त सीरियस थोड़ी रह सकते ज़िंदगी में कौन हर वक्त रोता रहता है या कौन हर वक्त हंसता रहता है तो कॉमेडी में भी थोड़ी सीरियसनेस और कॉमेडी इसी तरह सीरियसनेस में थोड़ी सी कॉमेडी और राइटिंग uh, जो है आपकी बहुत मज़े की हो जाती है तो कॉमेडी लिखने के कुछ उसूल होते हैं उसमें से पहला उसूल है के रूल व्हाट इज द के रूल के रूल इज़ बेसिकली यूजिंग वर्ड्स विद द कर साउंड साइंटिफिकली इट हैज़ बीन सीन दैट द कर साउंड जिस क्रिएट्स अ फनी रिएक्शन कैडलैक् क्व्रुपल क्वान्टिटीनो अब इसमें क्या साइंस है अल्लाह जाने मगर बड़ी साइंस इन्होंने लगाई है रिसर्च की हैं और उनको पता चला है कि क साउंडिंग वर्ड से हंसी आती है इसी तरह ग साउंडिंग वर्ड से भी हंसी आती है एटलीस्ट मुस्कुराहट तो आई जाती है गवाकमोली ग इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करने से आपकी राइटिंग में कॉमेडी आ जाती है दूसरा रूल है द रूल ऑफ थ्री यानी कि आप तीन ऐसे सेंटेंसेस इस्तेमाल करें जो कि एक कॉमेडिक इफेक्ट बनाते हैं दो एक जैसे और एक मुख्तल फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहना चाहते हैं कि वी वॉन्ट टू लूज वेट तो आप कहते हैं ईट लेस ड्रिंक लेस एंड गेट नासा टू गेट यूर वमन एंड एंटी ग्रेविटी एरिया नाओ हाउ डज नासा हैव एनी थिंग टू डू विद लूजिंग वेट मगर जब हम इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा करते हैं उससे एक कमीडिक इफेक्ट आता है हंसी आती है बिल्कुल नासा की चीज़ का क्या ताल्लुक़ खाने पीने से इसीलिए जब हम इस तरह की सिचुएशन लिखते हैं तो एक कमीडिक इफेक्ट आता है एक और रूल जो है वो है कंपेरिजन जॉक का यानि कि जब हम दो तो ऐसी चीजों को कंपेयर करते हैं जिनका कोई आपस में ताल्लुक ही नहीं होता कोई उसकी तुकी नहीं बनती कंपेयर करने की मगर तो जब हम उनको कंपेयर करते हैं तो हंसी आती है फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू दैट क्विटिंग स्मोकिंग इज वेरी डिफिकल्ट अब हम इसको कैसे कहें क्विटिंग स्मोकिंग इज एज डिफिकल्ट एज फ्लॉसिंग अ कैट्स टीथ अब बिल्ली के दांत कौन फ्लॉस करता है मगर जब हम इसको इस तरह करते हैं तो हंसी आती है मजा मज़े के तरीके से हमने इसको बताया एक और तरीका है क्लीशे आम तौर पर राइटर्स कहते हैं क्लीशे मत इस्तेमाल करो यूजिंग क्लीशेज इज़ बैड राइटिंग बट इन कॉमेडी यूजिंग क्लीशेज़ इज़ द बेस्ट वे टू राइट वाई बिकॉज पीपल कैन रिलेट टू इट उनको पता है उसका इतनी दफ़ा सुन चुके हैं मगर अगर उसी क्लीशे को एक मख्तलि तरीके से बताएं एक कमेडिक सिचुएशन में बताएं तो बहुत हंसी आती है सिचुएशन की बात करते हैं अ फ़नी सिचुएशन अ फ़नी एनेकडोट कोई मज़े का किस्सा बहुत फेमस जो बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और हमने अपने कॉमेडी प्लेज में भी देखा है राइटिंग में भी पढ़ते हैं बच्चों की किताबों में बड़ों की किताबों में टीवी में हम बहुत देखते हैं एक आदमी चल रहा था केले के छिलके पे फिसल गया एक एनेकडोट मज़े का यूजअली मज़े की चीज़ जो है वो किसी और पे जुल्म हो तो हंसी आती है ये केले का छिलका भी कुछ ऐसे ही है टॉम एंड जेरी के कार्टून भी ऐसे ही हैं मार धाड़ मार धाड़ मगर हंसी ज़रूर आती है कॉमेडी में बहुत ज़्यादा जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बगैर कॉमेडी होती ही नहीं है दैट इज़ टाइमिंग टाइमिंग इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टाइमिंग अगर ऑफ हो पंच लाइन टाइम पे ना आए हंसी बिल्कुल नहीं आती आपने सुना होगा या देखा होगा कभी आपके कोई दोस्त होंगे जो लंबे लंबे किस्से सुनाते हैं अपनी तरफ से जोक सुना रहे होते हैं मगर वो इतना लंबा कर देते हैं कि दूसरे बंदे को हंसी नहीं आती वो यूं देखता रहता है क्या कह रहे थे भाई सो टाइमिंग इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन कॉमेडी सो देर आर सर्टन कमांडमेंट्स ये फिक्र नहीं करनी कि दूसरे को बुरा लगेगा कि नहीं सो यू आर नॉट गोइंग टू वरी अबाउट अफेंडिंग सब्बडी यू आर गोइंग टू पे अटेंशन टू द मंडे यानी कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हो रही होती हैं उसमें से मज़े की चीज़ निकालनी है हमें जो लगता है कि यार इसमें क्या हंसी की बात है मगर उसी में सबसे ज़्यादा हँसी की बात होती है उसको अटेंशन देना है हमने क्लीशेज़ और एक्सट्रीमिटीज़ हमने ज़रूर इस्तेमाल करनी है जब हम सुनेंगे कहेंगे पढ़ेंगे मज़ा तो हमसे लिखा भी मज़े में जाएगा सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू सी हेयर फनी एंड हैव फन डेट इज़ द मेन थिंग जब तक मज़ा ना आ रहा हो मज़ा ही आ हो ही नहीं सकते इसलिए इट्स ए वेरी इम्पोर्टेंट टू हैव फन सो टू टेक इट आउट ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल हमें इसको जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अच्छा सबसे पहले कहानी क्या होगी उसका एक आइडिया लगाते हैं उस कहानी में इंसिडेंट्स क्या होंगे कैरेक्टर्स कैसे होंगे क्या किसी कैरेक्टर की कोई अजीब सी चीज़ है जैसे हमारी कोई नानी दादी कोई आ, एक जुमला बार बार बोलती हो जो कि फ़नी हो जाता है तो उसको भी हम लिख सकते हैं आ, कोई क्लासिक स्टोरी पे कोई ट्विस्ट देना है यानी कि अगर हम सिंडरेला की बात करते हैं तो सिंडरेला लड़के लड़की की जगह लड़का हो जाए या लड़के लड़की की जगह दादी नानी हो जाए तो वो भी एक ट्विस्ट आ जाता है फ़नी हो जाती है हम लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल करते हैं जैसे हमने अभी केरुल के बारे में बात की थी दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो सबसे पहले भी मैंने कहा था कि कॉमेडी की टाइमिंग और कितनी दफ़ा हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी होता है हर वक्त हंसी मजाक नहीं हो सकता वरना कंपैरिजन में हंसी नहीं आती थोड़ी देर आएगी फिर आएगी फिर बंदा हंसना बंद कर देता है क्योंकि एक इंसान एक चीज़ बहुत देर तक नहीं कर सकता यू ऑल्सो हैव टू नो दैट योर ऑडियंस शुड नो दैट यू आर लाफिंग उसको पता होना चाहिए कि आप हंस रहे हैं। इस तरह लिखें उसको कि उसको समझ आ जाए कि ये हंसी की बात थी तो इसलिए चाहे वो सिचुएशन क्रिएट करके कर रहे हो चाहे लफ्ज़ों से कर रहे हो इस बात का तयन करना बहुत ज़रूरी है कि रीडर को पता चले कि आप हंस रहे हैं एंड इम्पॉर्टेंट वाइल राइटिंग कॉमेडी इज स्टे अवे फ्राम साके साकाजम का इधर कोई ताल्लुक नहीं है साकाजम राइटिंग या साकास्टिक राइटिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे मगर कमीडिक राइटिंग में साकाजम का कोई ताल्लुक नहीं है इट हैज़ टू बी फनी बिकॉज इट इज़ फ़नी एंड एज वी शेयर देर अर फ्यू रूल्स जिनसे हम कमीडिक राइटिंग कर सकते हैं लोग सोचते हैं कि कॉमेडी राइटिंग क्यों ज़रूरी है आज कल कॉमेडी रइटिंग से पैसे कैसे बनेंगे इन दी इंटरनेट जेनरेशन एंड इन दी इंटरनेट world, comedic writing is becoming more and more popular. Memes, jokes hai, funny videos, vlogs, they're all based on comic situations, comedy writing. So comedy writing is becoming more and more popular and there is a great demand for people who write comedy.